नमस्कार, मेरा नाम नितिन है और मैं ब्रिस लर्निंग से हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर नोट्स परचेज करने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो, जैसा कि आप ये मैटर आप अपनी समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसे ये कुछ स्टेप्स आपको ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू रिसीव हो गए होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसमें सबसे पहले अगर आप स्टेप वन देखें तो यहाँ पे एक ऑफिशियल पेज दिया हुआ है, ऑफिशियल पैकेज download.com। तो जो पेज कुछ इस तरह से यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जब आप पेज ओपन करेंगे सो सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने उसी ईमेल से यहाँ पे से लॉग्ड इन हो, रजिस्टर्ड हो, जो आपने हमसे शेयर करा था जब ये पैकेज परचेज किया था, ताकि डाउनलोडिंग की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है, वो ईजिली हो जाए। इसी पेज पे आप नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे नोट्स डाउनलोड का। सो मैं यहां पे क्लिक करूंगा। इस ऑप्शन में आने के बाद जब आप थोड़ा सा पेज नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको आपको क्लास वाइज अलग अलग सेक्शंस दिखेंगे कुछ इस तरह से। तो जैसे कि ये नोट्स है तो यहाँ पे आप क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10 आप सेक्शंस देख रहे हैं, और हर बॉक्स के नीचे आपको रिस्पेक्टिव क्लास, उसका साइज क्या है, जैसे कि क्लास 6 का 95 MB है, उसके अंदर 180 फाइल्स हैं, ये पूरा पूरा आपको डिस्क्रिप्शन मेंशन हो जाएगा। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे क्लास 9th में एंटर करता हूँ। इसके नेक्स्ट टैब में एक गूगल ड्राइव का आपका टैब एक ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के फोल्डर्स दिख जाएंगे और नीचे आपको चैप्टर वाइज एक पूरी PDF फाइल दिख जाएगी। ये चैप्टर वाइज फाइल आपको हर पर्टिकुलर क्लास के फोल्डर में मिलेगी। नाउ सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर मुझे इंग्लिश के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो इसके दो तरीके हैं। पहला ये है कि मैं इस फोल्डर को यहाँ सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे एक तीन डॉट्स हैं जहाँ पे मैं अपना कर्सर रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे सबसे एंड में डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप सीधे फोल्डर पे आएँ, यहाँ पे आप अपने माउस से राइट क्लिक करें और यहाँ पे सबसे एंड में डाउनलोड का ऑप्शन है, ये भी आपका ये वाला पर्टिकुलर डाउनलोड फोल्डर जो है डाउनलोड कर देगा। अब ये जो आपके फोल्डर्स डाउनलोड होंगे ये एक ज़िप्ड फॉर्म में होंगे, जो आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे, कुछ इस आइकन की तरह, जैसे कि आप अभी मेरे स्क्रीन में न्यू फोल्डर के आगे देख रहे हैं। नाउ इसको बेसिकली ओपन करने के लिए आप वापस से हमारी वेबसाइट में जा सकते हैं सेम पेज पे, और आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको 7-Zip ऑफिशियल टूल मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी मदद से बहुत ही आसानी से आप इस पर्टिकुलर जिप्स फाइल से सारी फाइल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने टूल डाउनलोड किया हुआ है, मैं अपने इस फोल्डर पे यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट फाइल्स का और एक्सट्रैक्ट हियर का। तो आप अपने हिसाब से अगर आपको फाइल से स्टार्ट करनी है या पूरा फोल्डर करना है, इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अगर एक्सट्रैक्ट हियर करा है तो ये पूरा पूरा एक फोल्डर यहाँ पे मेरे लिए निकाल देगा कुछ इस तरह से, और यहाँ पे अंदर जाकर मैं अपनी फाइल्स एक्सेस कर सकता हूँ जिसमें मेरे नोट्स होंगे। तो कुछ इस तरह से बहुत ही ईजिली आप अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उनको पूरा पूरा आप आके एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।